कुछ भट्टी साहब, ये सिर्फ यहीं तक बात नहीं है, ये साथ जो डील की बात भी, डील से मुरादा प्ली बारगेन, ये बात भी चल रही है। इसमें 1% भी शुबा नहीं है। प्ली बारगेन की खबर में, प्ली बारगेन की इत्तलाआत में 1% भी शुबा नहीं है कि ये गलत है, ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात, साथ साथ ये दूसरा माहौल भी बना रहे हैं। अब क्या मॉडलिटीज़ क्या तय होती हैं या नहीं होती, ये इन्हीं 6 हफ्तों में पता चल जाएगा, क्योंकि मियाँ साहब हैं तो ज़मानत पर रिहा के बहुत ज़्यादा सीरियस थे, लेकिन आज भी उनके सिर्फ चंद ब्लड टेस्ट हुए हैं, वापस वो जाती उम्रा गए हैं, कल फिर आएंगे टेस्ट करवाएंगे। लेकिन साथ साथ ये माहौल बनाया जा रहा है कि नहीं, असल वजह तो बीमारी ही है और ये प्रोलॉन्ग भी हो सकती है। राणा सनाउल्ला साहब ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। कि ये कोई आम किस्म की एंजियोग्राफी नहीं होगी, बल्कि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, और वो उसके रिजल्ट्स होंगे, उन रिजल्ट्स के ऊपर कंसल्टेशन के लिए जो है वो अंदरूने मुल्क भी बैरूने मुल्क भी मशवरा किया जा सकता है। 6 हफ्तों में इलाज मुकम्मल हो सकेगा, ये बात फिर उसी तरह से गलत है। इलाज तो शुरू अभी हुआ नहीं है, एंजियोग्राफी होगी तो पता चलेगा ना बीमारी क्या है और उसका इलाज क्या होगा, फिर उसके बाद पता चलेगा कि वो 6 हफ्तों में हो सकता है या 6 महीने में हो सकता है। ये कह रहे हैं भट्टी साहब के ये तो अभी पता चलेगा 6 हफ्तों में या 6 महीनों में, लेकिन मैं राणा साहब को बता दूं कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा। जी भट्टी साहब, साबर साहब गुजारिश है, सानिया मॉडल टाउन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राणा सनाउल्ला साहब ने जो फरमाया मैं उस पर तो बात नहीं करूंगा, उसमें तो 100 लोग शहीद हो गए। आपको पता है खुदा ना खास्ता किसी का बाईपास भी हो तो डॉक्टर कितने दिन रखते हैं, अमेरिका या लंदन में भी या पाकिस्तान में भी, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है और पूरी डॉक्टर्स कम्युनिटी जानती है। इनफैक्ट इनका काम इस वक्त जमानत लेके मियां नवाज शरीफ साहब का इलाज कराना नहीं है, इलाज एक बहाना है, लंदन जाना है, हर हाल में जाना है, पैसा भी थोड़ा बहुत बचाना है। अब पैसे पे कितने डील होती है, मैं आज ये बात आपको 1000% यकीन से कह रहा हूं, अमाउंट का मुझे नहीं पता, गुफ्तगू हो रही है और राणा सनाउल्ला जैसे लोगों को लूब में किसी को नहीं लिया जा रहा। मियां नवाज शरीफ साहब मोहतरम मतलब मरियम नवाज साहबा इसहाक डार और फैमिली के कुछ लोग इस बार गेनिंग में शामिल हैं और मियां शहबाज शरीफ साहब हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि उनके बड़े भाई हैं वो किसी तरीके से मामला तय हो और वो बाहर जाके अपना इलाज कराए। इलाज के लिए पैसों पे गड़बड़ है, हुसैन और हसन ने कह दिया कि जितना मिनिमम हो सकता करे हम पैसे भेज देंगे। अब इन लोगों ने एक सियासत चमकानी है अपनी, चमकाने से जब से वो बेचारे जेल में अंदर थे ये एक मूवमेंट तो चला नहीं सके, एक जुलूस तो निकाल नहीं सके। अंदर तो मरियम नवाज, हसैन नवाज और हसन नवाज का वालिद था ना नवाज शरीफ, वो राणा सनाउल्ला तो चूरी खाने वाले थे ना, 100 बंदे भी मार दिए। इमरान खां की साफ चली शफाफ चली हुकूमत ने, सानिया मॉडल टाउन को भी मुर्दा खाने में डाला हुआ है। तो इन बातों की क्या अहमियत है।